मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम विलादत के मौके पर नायब सदर नशीन राज्यसभा जनाब के रहमान खान ने मौलाना आज़ाद यादगार लेक्चर दिया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक़िदा इस प्रोग्राम की सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एएम पठान ने की। इससे कबल जनाब रहमान खान ने यूनिवर्सिटी के मरकज़ बराए पेशा वराना फ़रोग़ असातिज़ा उर्दू ज़रिए तालीम की नौ तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मुमताज़ माहिर तालीम और मंगलोर व गोवा यूनिवर्सिटियों के बानी वाइस चांसलर प्रोफेसर बी शेख अली की किताब मौलाना आज़ाद विजन एंड एक्शन की रस्म इजरा अंजाम दी गई। प्रोग्राम का आगाज़ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर पी प्रकाश के खैर मकदमी कलमात से हुआ। शाह वलीउल्लाह के बाद अबुल कलाम का नाम मुसलमानों की ज़हानत का सबसे बड़ा नाम है। इनकी तमकिनत, मौलाना आज़ाद की तमकिनत, विखार, तदब्बुर, तफक्कुर, इल्मी और दीनी मामलात में महारत ऐसी थी कि सरोजनी नायडू ने कहा था कि मौलाना की उम्र पैदाइश के वक़्त 40 साल थी। राजेंद्र प्रसाद ने कहा हिंदुस्तान की सबसे बड़ा कुतुब खाना मौलाना आज़ाद का जहन है। राजेंद्र प्रसाद ने ये भी कहा कि कुदरत ने मौलाना आज़ाद को तख्लीक़ करके उसका सांचा तोड़ के रख दिया। जब मौलाना की वफात हुई तो बटर रसल ने कहा सुखरात के बाद अगर किसी इंसान की मौत हुई तो मौलाना आज़ाद की मौत थी। इनके एक दोस्त हबीबुर रहमान ने कहा था कि मौलाना आज़ाद में हज़रत अली का इस्तगना, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की सिख़ इश्क़, हज़रत उस्मान की हया, अबू ज़र का फ़ख्र और इमाम अहमद हम्बल की इस्तिक़ामत थी। मौलाना का वो जहन था कि फलक तक की रसाई रोशनी की रफ्तार से तेज़ करती थी। उनके ख़लम में वो क़ुव्वत थी कि शहनशाहत लरज जाती थी। उनका बयान, उनका खिताब ऐसा था कि रिखत तारी हो जाती थी। नियाज़ फ़तेहपुरी ने कहा है कि अगर मौलाना चाहते थे तो अरबी शायरी में बदू ज़मा पर सब ख़त ले जाते थे, अगर फ़ारसी शायरी चाहते थे तो वो उर्फी और नज़ीरी पर सब कर ले जा सकते थे, अगर दीनियात में ख़दम रखते तो वो इमाम तैयमा से भी आगे बढ़ जाते थे, अगर तसव्वुफ़ पर ख़दम रखते थे तो वो इमाम गज़ाली और जलालुद्दीन रूमी से आगे बढ़ जाते थे, मगर इन सब को वो तर्क करके सिर्फ सियासत और मज़हब में ख़दम रखा। इसके मुतालिक दो चार बातें कह के मैं ख़त्म रखता हूँ। मुल्क की आज़ादी का उनका जो काम था वो आप जानते हैं, मगर उनके इरशादात पहले दो तीन बता देता हूँ आपको। वो ए कि मौलाना ने कहा दीन की कुंजी से दुनिया का दरवाज़ा खोलो और इस्लाम के इस्म आज़म से आफाक की तस्खीर करो। इस्लाम की सरबुलंदी दरियाओं के पेचताब देखने में नहीं है। इस्लाम की सरफराजी के लिए तारख की तरह जहाज़ों को जलाना होगा। सदाकत हयात, वजूद, ईसार व क़ुरबानी कुछ नहीं। मौलाना ने कहा कि मेरे सीने में एक अगेटी पक रही है, उसकी हरारत मैं आपको देना चाहूँगा। बैठे रहोगे तो यकीनन ठोकर नहीं लगेगी
चलो ये दौड़े तो मुमकिन है गिरना, जो गिरता है वो सीखता है, जो सीखता है वो कामयाब होता है, इसलिए दौड़ने चलने गिरने से ना घबराना। अल हिलाल अल बलाग सहाफत में वो मुकाम था उनका कि हुकूमत लरस जाती थी, सिर्फ आज़ादी ही नहीं बल्कि मिल्लत के मसाइल का हल भी वहाँ ढूंढना चाहते थे। एक ऐलान जंग था इख्तदार, गैर मुल्की इख्तदार। मौलाना ने कहा कि गैर मुल्की इख्तदार किसी के भी हक में नहीं। उन्होंने बंगाल से ललकारा, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदू मुस्लिम तफरीक़े आरिजी हैं, इस्लाम का पैगाम हुब्बुल वतनी भी है, मुसलमान के सीने में हुब्बुल वतनी और इस्लाम दोनों समा सकते हैं। बहुत ही बड़ी कोशिश की, बड़ी बड़ी कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सके। मगर हमें ये याद रखना चाहिए कि सुकरात हो या इमाम हुसैन हो या नेपोलियन हो, गांधी जी हो, लिंकन हो, वो अपने उसूल में कामयाब नहीं रहे, मगर फिर भी अजमत का ताज उनके सर पर रखा गया, मुल्क की आज़ादी, दी इंडिविजिबल इंटीग्रेटेड यूनाइटेड इंडिया का जो ख्वाब देखा था वो सिर्फ मौलाना आज़ाद ने रखा था।